वेलकम बैक। आज गुड फ्राइडे है और देश भर के गिरजाघरों में सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा लगा है। श्रद्धालुओं ने आज के खास दिन पर उपवास रखा और चर्च में जाकर प्रभु यीशु के बलिदान को याद किया। आज देश भर में प्रभु यीशु के अनुयायी गिरजाघरों में इकट्ठा हुए। क्षमा और प्रार्थना के इस खास दिन पर लोग प्रभु यीशु की विदाई को याद कर रहे हैं और यीशु ने जो शिक्षा और संदेश दिए हैं उनको अपने जीवन में पालन करने की प्रार्थना कर रहे हैं। गुड फ्राइडे की तैयारी 40 दिन पहले ही शुरू हो जाती है। श्रद्धालु इन 40 दिनों के दौरान मांसाहार त्याग कर देते हैं। आज के दिन श्रद्धालु उपवास रख प्रभु यीशु को याद करते हैं। दिन हम लोग इधर आए हैं गुड फ्राइडे मनाने के लिए। क्राइस्ट का डेथ कल रात में हम लोगों को पूजा हो गया, मंडी थर्सडे का पूजा हो गया था। आज ही क्राइस्ट का डेथ का वो याद करने के लिए सब लोग आ गया। ये 2-3 घंटे से पूजा चल रहे हैं। तो ये आज एक दुख का दिन है, मतलब गुड फ्राइडे मतलब इंडिया में हम लोग ये दुख क्राइस्ट का डेथ का दिन है, तो ये दुख का दिन है। इसके बाद 3 दिन के बाद ईस्टर भी मना रहे संडे में, तो आज सब लोग फास्ट में हैं। गौरतलब है आज ही के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। उसके प्रतीक के रूप में लकड़ी का एक तख्ता गिरजाघरों में रखा जाता है जिसे श्रद्धालु एक एक कर आकर चूमते हैं। उसके बाद चर्च में प्रवचन और ध्यान किया जाता है जिसमें लोग 3 घंटे तक क्रॉस पर प्रभु यीशु द्वारा भोगी गई यातना को याद करते हैं। Because it is on this day, Christ has sacrificed his own life for the sake of the sinners. We are all sinned and separated from God. By the death of Jesus Christ on the cross, he has regained back the lost sisters, lost kingdom of man, human being. So restoration of the law and the order situation. In this world of physical tendencies and divisive tendencies, Christmas, Good Friday holds a very good message to all of us. Good Friday, बुराई और अहिंसा के लिए प्रभु के बलिदान को याद करने का दिन है। इस दिन को ज्यादातर लोग काले कपड़े पहनकर मनाते हैं, लेकिन इसके 3 दिन बाद यानी ईस्टर के मौके पर मेले लगते हैं जब प्रभु का दोबारा जन्म हुआ था। ये दिन लोगों के लिए ढेरों खुशियां लेकर आता है। दिल्ली से रेखा सोनी, इंडिया न्यूज़।